महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र के कई नाम और रूप है। इसे शिव के उग्र पहलू की ओर संकेत करते हुए रुद्र मंत्र कहा जाता है। शिव के तीन आँखों की ओर इशारा करते हुए त्र्यंबकम मंत्र और इसे कभी कभी मृत संजीवनी मंत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये कठोर तपस्या पूरी करने के बाद पुरातन ऋषि शुक्र को प्रदान की गई जीवन बहाल करने वाली विद्या का एक घटक है। समस्त पाप एवं दुख, भय, शोक आदि का हरण करने के लिए महामृत्युंजय की विधि ही श्रेष्ठ है। महामृत्युंजय का पाठ करना महान लाभकारी एवं कल्याणकारी होता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का अक्षरशः अर्थ, हम त्रिनेत्रीय वास्तविकता का चिंतन करते हैं जो जीवन की मधुर परिपूर्णता को पोषित करता है और वृद्धि करता है। ककड़ी की तरह हम इसके तने से अलग मुक्त हो, अमरत्व से नहीं बल्कि मृत्यु से हो। महामृत्युंजय मंत्र जाप की विधि बहुत ही सरल है। सुबह और सायंकाल में अपेक्षित एकांत स्थान में बैठकर आँखों को बंद करके इस मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है और इससे आयु भी बढ़ती है। अब हम सुनते हैं महामृत्युंजय मंत्र से जुड़ी हुई ऋषि मार्कंडेय की कहानी। बड़ी तपस्या से ऋषि मृकुंड के यह पुत्र हुआ, किंतु ज्योतिर्विदों ने उस शिशु के लक्षण देखकर ऋषि के हर्ष को चिंता में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा, यह बालक अल्पायु है, इसकी आयु केवल 12 वर्ष है। मृकुंड ऋषि ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, देवी चिंता मत करो, विधाता जीव के कर्मानुसार ही आयु दे सकते हैं, किंतु भगवान शिव भाग्यलिपि को स्वे इच्छानुसार परिवर्तित कर देने में समर्थ है। समय बीतता गया और जिस दिन 12 वर्ष पूरे होने वाले थे उस दिन ऋषि मृकुंड के पुत्र मार्कंडेय ने रात्रि से ही भगवान शिव की शरण लेकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ किया था। काल किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। यमराज के दूत समय पर आए और लौट गए। उन्होंने अपने स्वामी यमराज से जाकर निवेदन किया, हम मार्कंडेय ऋषि तक पहुँचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकुंड के पुत्र को मैं स्वयं लाऊंगा। दंडधार यमराज जी महिषारूढ़ हुए और क्षण भर में ही मार्कंडेय ऋषि के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने दंडधार यमराज को देखा तो सम्मुख की लिंगामूर्ति से लिपट गए। उसी समय शिवलिंग से तेजोमय त्रिनेत्र गंगाधर चंद्रशेखर प्रकट हो गए और शिव त्रिशूल उठाकर यमराज से बोले, हे यमराज, तुमने मेरे आश्रित पर पाश उठाने का साहस कैसे किया? यमराज ने डांट पड़ने से पूर्व ही हाथ जोड़कर मस्तक झुका लिया था और कहा कि हे त्रिनेत्र, मैं आपका सेवक हूँ, कर्मानुसार जीव को इस लोक से ले जाने आया हूँ। भगवान चंद्रशेखर ने कहा कि हे यमलोक नहीं जाएगा, इसे मैंने अमरत्व दिया है। मृत्युंजय प्रभु की आज्ञा को यमराज अस्वीकार कैसे कर सकते थे? यमराज खाली हाथ लौट गए। मार्कंडेय जी ये देखकर भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। ॐ त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आप भी महामृत्युंजय मंत्र की साधना आरंभ करेंगे।